हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 11। चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 108 आपको ओपन करना है, ठीक है। चैप्टर 11 का नेम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट मीन्स प्रकाश, शेडोज मीन्स छाया, छायाएँ बनती है ना, एंड रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, ठीक है। तो लाइट शेडोज और रिफ्लेक्शंस के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड हियर, सम पिक्चर्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर गिवन बिलो, टेक द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, इनमें से हमें किसको टिक करना है, जो नेचुरल सोर्सेज है लाइट के, यानी जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो, सन क्या है, नेचुरल सोर्स है लाइट का। मून भी क्या है, नेचुरल सोर्स है। और स्टार्स भी क्या है, नेचुरल सोर्स है। जबकि ट्यूब लाइट्स, बल्ब, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट के, ठीक है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ कलरफुल एंड ब्यूटिफुल थिंग्स सच इज द ब्राइट एंड द शाइनिंग सन। यानी जो ये वर्ल्ड है, जो हमारे चारों तरफ जो ये दुनिया है, ये रंगों से भरी हुई है, यानी कलरफुल है। एंड ब्यूटिफुल थिंग्स यानी बहुत ही कलरफुल और जो सुंदर वस्तुएं हैं उनसे बनी है। सच इज द ब्राइट एंड द शाइनिंग सन, जैसे कि ब्राइट और शाइनिंग करता हुआ क्या है, सन है, सूर्य है। ब्लू स्काई यानी ब्लू कलर का स्काई है। एंड ग्रीन ट्रीज और हरे पौधे हैं, यानी ये जो वर्ल्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स से बना हुआ है और बहुत ही कलरफुल थिंग्स यहाँ पर पाई जाती है, जैसे सन है, स्काई है, ब्लू और ग्रीन ट्रीज है। वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इन सारी चीज़ों को हम कब देख पाते हैं, जब लाइट प्रेजेंस होती है, लाइट की प्रेजेंस होती है, यानी कि जब प्रकाश उपस्थित होता है तभी हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। इनफैक्ट लाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। यानी कि जो लाइट है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसकी वजह से हम देखने में सक्षम हो पाते हैं। When an object reflects the light falling on it, we are able to see that object. यानी कि कोई भी object जब उस पर reflect जो light होती है ना, sorry, जो प्रकाश उस पर गिरता है, जो light उस पर गिरती है किसी भी object पे, तो वो क्या करता है, उस light को reflect करता है, यानी परावर्तित करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। Therefore, इसीलिए लाइट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसीलिए जो लाइट है उसको किस रूप में डिफाइन किया गया है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप के रूप में ही, ऊर्जा के एक रूप के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, और इसी की वजह से हम देखने की संवेदना को क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। सेंसेशन मीन्स होता है संवेदना, और साइट मीन्स होता है देखना, ठीक है। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरती है तो वो उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उस रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। यू विल नोटिस दैट व्हाट यू एक्चुअली सी आर डस्ट पार्टिकल्स विच शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। यानी आपने कभी नोटिस किया हो तो वास्तव में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी धूल के जो कण होते हैं, वो शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जब उन पे लाइट गिरती है, यानी प्रकाश जब गिरता है तो उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। दे दियर फॉर लाइट अप द पाथ ऑफ द लाइट एंड इट सीम्स एज इफ यू आर एक्चुअली सीइंग द लाइट। इसीलिए ये क्या करते हैं, जो लाइट का पाथ होता है, यानी जो रास्ता है, पथ है, उसको क्या कर देते हैं, लाइट अप कर देते हैं, और हमें क्या दिखाई देता है, एक्चुअली सीइंग द लाइट। इफ द रूम वर कम्प्लीटली डस्ट फ्री द पाथ ऑफ लाइट वुड बी इनविजिबल। और अगर कोई भी रूम है, अगर डस्ट फ्री है कम्प्लीटली, यानी वहां पर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो हमें वहां पर लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, इनविजिबल होगा, यानी हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। और जहां पर डस्ट पार्टिकल होंगे वहां पर हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा, ठीक है।
टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी लाइट के सोर्सेज क्या क्या हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। इमिट मीन्स होता है उत्सर्जित, ठीक है, इमिट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ लाइट यानी ऊर्जा का स्रोत उसको बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के सोर्सेज के टू टाइप्स दिए गए हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, द सन, द स्टार्स एंड ग्लोब वर्म आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी जैसे सन है, स्टार्स हैं, ग्लोब वर्म क्या होता है, जुगनू, जुगनू होता है एक तरह का इंसेक्ट होता ही है, ठीक है, ग्लोब वर्म। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, नेचुरल सोर्सेज के हैं, लाइट के ये नेचुरल सोर्सेज हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFLs एंड फ्लूरोसेंट लैम्प्स, फ्लूरोसेंट लैम्प्स किसको बोलते हैं, ट्यूब लाइट्स को, आर मैन मेड लाइट्स। जैसे कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑयल, जो ऑयल लैम्प होता है, लैम्प जलाया जाता है ऑयल से, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है यानी ये वाला बल्ब, ठीक है, CFLs होते हैं, वाइट कलर वाले बल्ब आते हैं ना CFLs, वो होते हैं, फ्लूरोसेंट लैम्प्स यानी कि ट्यूब लाइट्स होती है। तो ये सारे क्या है, मैन मेड लाइट सोर्सेज है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। सो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लाइट के आर्टिफिशियल सोर्सेज इनको बोलते हैं। जबकि जो सन है, स्टार्स है, ग्लोब वर्म है, इनको क्या बोला जाता है, लाइट के नेचुरल सोर्सेज इनको बोला जाता है, यानी ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि इनको बनाया गया है, इन सारी चीज को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, ट्यूब लाइट्स को, ऑयल लैंप को, ठीक है, इनको बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, इसलिए इनको क्या बोल दिया, आर्टिफिशियल सोर्सेज बोल दिया। द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस दियर ओवन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड दोज दैट डू नॉट प्रोड्यूस दियर ओवन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुएं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, खुद की लाइट, खुद का प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रकाश को उत्पादित करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी प्रकाशमान वस्तुएं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं, यानी अप्रकाशमान वस्तुएं बोलते हैं। यानी जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और जो नहीं करते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। When light falls on a non-luminous object such as a book, table, cricket ball or wall, it gets reflected in different directions. यानी जो non-luminous objects होते हैं, non-luminous object जो होते हैं उन पर जब light गिरती है, यानी प्रकाश जब गिरता है उन पर, तो ये objects जैसे कि book है, table है, cricket ball है, wall है, तो ये क्या करती हैं, सारे object उस light को अलग अलग direction में reflect कर देते हैं, यानी परावर्तित कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। When this reflects light reaches our eyes, we can see that object. और ये जो reflect जो light होती है, reflected light, वो हमारी eyes तक पहुँचती है और हमें ये वस्तुएँ दिखाई देती है। During the day, दिन के दौरान क्या होता है, Our room is lighted because of reflection of sunlight by the various non-luminous objects around us. यानी दिन के टाइम पे क्या होता है कि हमारे आसपास, हमारे रूम में हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती है, कौन सी वाली, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि जब सनलाइट उन पे गिरती है, सनलाइट गिरती है इन ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी वजह से दिन के टाइम पे हमारा जो रूम रहता है वो लाइटेड रहता है, यानी वहाँ पर प्रकाश रहता है, ठीक है। क्यों रहता है प्रकाश, क्योंकि दिन के टाइम पे हमारे रूम में बहुत सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में उनको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से रूम में क्या रहता है, उजाला रहता है। इवन थ्रो द मून इज कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ तक कि जो मून है ना, मून, चंद्रमा, इसको भी किस रूप में कंसिडर किया गया है, नेचुरल सोर्स के रूप में, यानी लाइट का नेचुरल सोर्स माना गया है। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, यानी ये खुद का प्रकाश प्रोड्यूस नहीं करता है,
इसलिए इसको नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है। लेकिन इसको क्या माना गया है, फिर भी नेचुरल सोर्स माना गया है लाइट का। क्यों माना गया है? बिकॉज इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। क्योंकि ये किस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मून को भी क्या माना गया है? नेचुरल सोर्स माना गया है। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ ट्रीमेंडियस स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जो होती है ना, प्रकाश, वो कितनी एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रेवल करता है, यानी एक सीधी रेखा से गुजरता है। और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। देखो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेता है लाइट। इन एसआई यूनिट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर एसआई यूनिट में अगर हम देखें, यानी किलोमीटर की बजाय अगर हम मीटर में लिखें, तो ये 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल मीडिया। एन ऑप्टिकल मीडियम और मीडिया इज अ रीजन और अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासिस आइदर पार्शली और फुली। यानी ऑप्टिकल मीडियम या ऑप्टिकल मीडिया, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है। तो एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, रीजन और अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासिस आइदर पार्शली। यानी कि ऐसा रीजन या ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ से लाइट या तो पार्शली क्या होता है, पास होती है, या फिर फुली, यानी या तो लाइट आधी आंशिक रूप से क्या हो, गुजरे, या फिर पूरी पूरे रूप में लाइट क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी आर पार निकल जाए उसमें से। ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल मीडिया या फिर ऑप्टिकल मीडियम उसको बोलते हैं। ऑप्टिकल मीडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। और ये जो ऑप्टिकल मीडिया होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक। कौन कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक। ये दो तीनों चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले एक चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक, ये तीनों क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, अपने आप में से लाइट को गुजरने देते हैं, प्रकाश को गुजरने देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। पारदर्शी यानी आर पार दिख जाए जिसमें। ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। वन कैन क्लियरली सी थ्रू द सच ऑब्जेक्ट। और इन ऑब्जेक्ट से हम क्लियरली देख सकते हैं आर पार। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लीन एयर, क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, सम काइंड्स ऑफ क्लियर प्लास्टिक एंड सेलोफेन पेपर। यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जैसे क्लीन एयर यानी बिल्कुल फ्रेश जो हवा होती है, जिसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं हो, कोई भी, ठीक है, अदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर ग्लास, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है। और कुछ जो क्लियर प्लास्टिक्स होती है वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। और सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर क्या होता है? सेलोफेन पेपर होता है अपने बुक्स पे या फिर नोटबुक्स पे हम कवर चढ़ाते हैं ना, तो वो आती है ना थैली, ठीक है, पॉलीथीन आती है कवर चढ़ाने वाली, उसको बोलते हैं सेलोफेन पेपर। तो ये भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उनके ऊपर गिरने वाली लाइट में से लाइट को, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट, हानी यानी कि जो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है तो उसमें से कुछ लाइट को ही वो अपने आप में से गुजरने देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइट पार्शली पासिस थ्रू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें से जो लाइट है वो पार्शली पास होता है, यानी आंशिक रूप से गुजरता है। वी कैन नॉट सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं आर पार, यानी धुंधला धुंधला दिखाई देता है हमें। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर बटर पेपर,
अ शीट ऑफ पेपर स्मीयर्ड विद ऑयल एंड स्मोक्ड ग्लास, बटर पेपर, पैकेजिंग पेपर आते हैं ना वो होते हैं बटर पेपर, ठीक है, शीट ऑफ पेपर स्मीयर्ड विद ऑयल यानी ऑयल के धब्बे लगे हुए की पेपर शीट, यानी कोई पेपर शीट है जिसपे ऑयल के धब्बे लगे हुए हैं तो वो, एंड स्मोक्ड ग्लासेस और धुएं से गुजरा हुआ जो ग्लास है यानी जिसमें से धुआं गुजरा हो इस तरह का ग्लास हो तो वो भी क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी ये सारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पार्शली लाइट पास होता है इसलिए हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं गुजरने देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, और इन ऑब्जेक्ट्स में से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं आर पार। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर मेटल, मड, सीमेंट, कॉल, वुड एटसेट्रा, यानी क्या क्या एग्जाम्पल है ओपेक मटीरियल्स के, मेटल है, मर्ड्स, मड है, सीमेंट है, कॉल है, वुड है, ये सारे क्या है ओपेक मटीरियल्स हैं। अ मिरर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और जो मिरर होता है वो भी क्या है एक ओपेक ऑब्जेक्ट का ही उदाहरण है। एन आइडल मिरर डज नॉट लेट एनी लाइट टू पास थ्रो इट, यानी एक जो आइडल मिरर होता है, आदर्श दर्पण जो होता है वो अपने आप में से बिल्कुल भी लाइट को नहीं गुजरने देता है, तो जो ऑप्टिकल मीडिया होता है या ऑप्टिकल मीडियम जो होता है वो कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पूरी तरह से लाइट को अपने आप में से गुजरने देते हैं, यानी इनमें, इन ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देख सक आर पार देख सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कुछ लाइट को ही अपने आप में से गुजरने देते हैं, इसलिए हमें जब हम इनमें से देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है क्योंकि ये कुछ लाइट को ही अपने आप में से गुजरने देते हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल भी लाइट को अपने आप में से नहीं गुजरने देते हैं, इसलिए हम इनमें नहीं देख सकते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी जो लाइट है, प्रकाश जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है, यानी एक सीधी रेखा में गति करता है, ट्रेवल करता है। हैव यू एवर नोटिस्ड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इन अ डार्क रूम, यानी कभी आपने नोटिस किया हो तो किसी भी डार्क रूम में यानी अंधेरे कमरे में क्या करें, हम टॉर्च जला के एक लाइट की किरण हम डालें, ठीक है, लाइट का बीम हम डालें। When you switch on a torch in the dark room, light appears to go straight outwards. और जब हम डार्क रूम के अंदर टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो लाइट कैसी दिखाई देती है हमें, स्ट्रेट आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ जाती हुई, एक सीधी रेखा में बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर्स ऑल्सो अपीयर टू टेक अ स्ट्रेट पाथ टू द स्क्रीन, और जो सिनेमा प्रोजेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जो लाइट होती है वो भी कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेट पाथ में दिखाई देती है स्क्रीन पर। इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस में लाइट सीम्स टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स, यानी जो लाइट है वो हमें कैसी दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और ये जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी रेक्टिलिनियर मीन्स रेखीय, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में करते हैं कोई भी मोशन भी होता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मीन्स होता है प्रसार, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना लाइट का, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि रेखीय प्रसार, ठीक है, रेखीय प्रसार बोलते हैं, प्रकाश का रेखीय प्रसार बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, लेट्स परफॉर्म टू आइडेंटिफाई दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है किसको बताने के लिए
कि जो लाइट होती है, प्रकाश जो होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गति करता है, ट्रेवल करता है. अ होलो प्लास्टिक ट्यूब कैंडल, अ मेटल स्टैंड एंड मैच स्टिक. क्या क्या लिया यहाँ पर? एक होलो प्लास्टिक ट्यूब ले ली, यानी एक खोखली प्लास्टिक की नली ली, कैंडल ली, मेटल ली, मेटल स्टैंड ले लिया, और मैच स्टिक यानी कि माचिस ली. एक मेथड, टेक अ होलो प्लास्टिक ट्यूब विच कैन बैंड ईजीली, यानी ऐसी होलो प्लास्टिक ट्यूब ली जो ईजीली क्या हो जाए, बैंड हो जाए. लाइट अ कैंडल, फिक्स्ड इट ऑन अ मेटल स्टैंड, और मेटल स्टैंड पे, ये मेटल स्टैंड लिया, इस पे क्या फिक्स कर दी, एक कैंडल फिक्स कर दी. स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 to 4 feet फ्रॉम इट, और हमें जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको कितनी दूर बैठना है, 3 to 4 feet की दूरी पर बैठना है. ऑब्जर्व द कैंडल फ्लैम थ्रू द होलो ट्यूब, और इस होलो ट्यूब से, ये जो खोखली ट्यूब यहाँ पे लगाई है, इससे क्या करना है, इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है. ये बैंड हो रही है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो स्ट्रेट है, यहाँ पे बैंड कर दी. फिर नाउ बैंड द ट्यूब फ्रॉम द सेंटर एंड अगेन ट्राई टू सी द कैंडल फ्लैम थ्रू इट. आर यू एबल टू सी द फ्लैम नाउ, यानी कि अगर इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट जो ट्यूब है, इससे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, और फिर दूसरी ही बारी में जब हमने क्या किया, इसको बैंड कर दिया यहाँ से बीच में से, और फिर हमने इसको देखा कैंडल को, योर आंसर वुड बी नो, यानी कि क्या हमें इस जो बैंड हो रही है ट्यूब, इससे ये फ्लैम दिखाई देगी क्या? अच्छे से नहीं दिखाई देगी ना, स्ट्रेट जो स्ट्रेट ट्यूब है उससे अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर बैंड हो गया ना, तो प्रकाश का जो मतलब रास्ता है वो यहाँ पर चेंज हो गया बैंड होने की वजह से, क्योंकि जो लाइट है उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है. Hence the candle flame can be seen through the straight tube, but not through the bent tube. यानी हमें जो candle flame है वो straight tube से तो दिखाई देगी, लेकिन जो bent tube है उससे दिखाई नहीं देगी. This shows that light travels in a straight line path. तो ये activity क्या show करती है, कि जो light है वो एक straight line path पर ही क्या करता है, गति करता है. ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपेक मीडियम. ठीक है, उसके बाद मैंने ये टॉपिक पढ़ाया कि जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही क्या करता है, ट्रेवल करता है, और इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इसकी रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है. इसके बाद इससे रिलेटेड हमने ये एक्टिविटी भी यहाँ पर शो करी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. ओके, बाय.